भाजपा के लोकसभा प्रत्याशी शंकर लालवानी ने बुधवार को राव विधानसभा क्षेत्र में दस्तक दी। सुबह तो वे स्थानीय नेताओं के साथ घूमे, लेकिन शाम को केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर उनका समर्थन करने पहुंच गए। तोमर और लालवानी ने जीप पर सवार होकर राव विधानसभा क्षेत्र में मतदाताओं से वोट मांगे। लालवानी का काफिला सुबह 9 बजे देवगुराड़िया मंदिर पहुंच गया था। यहाँ शंकर लालवानी ने भगवान शंकर की पूजा अर्चना करके अपने जनसंपर्क की शुरुआत की। भाजपा प्रत्याशी का काफिला यहाँ से गाँवों में दस्तक देने पहुंचा। ग्राम दुधिया, जासन टेकरी, उमरिया खुर्द, जामनिया खुर्द, तिल्लो, राला मंडल में लालवानी ने सभाओं को संबोधित करते हुए ग्रामीणों से वोट मांगे और भारतीय जनता पार्टी को यहां से जिताएंगे और माननीय नरेंद्र मोदी जी को फिर से प्रधानमंत्री बनाएंगे। इसी बात को लेकर हम आप सबके बीच में आए। बोले भारत माता की। गांव-गांव भटकने के बाद शाम को लालवानी राव शहर पहुंच गए। यहां नगर पंचायत कार्यालय के यहां से लालवानी के काफिले में केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर शामिल हो गए। तोमर के साथ लालवानी का काफिला निकला तो भाजपाइयों ने जोरदार स्वागत किया। केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर के आने से राव विधानसभा में लालवानी के जनसंपर्क में वो स्थानीय नेता भी पहुंच गए, जो गलती से भी अपने क्षेत्र को छोड़कर शहर के दूसरे इलाके में लालवानी के लिए वोट मांगते नजर नहीं आए। तोमर को चेहरा दिखाने के लिए इंदौरी नेताओं भी राव में घूमते हुए शंकर के लिए वोट मांगे। सुबह 9 बजे देवगुराड़िया मंदिर से शुरू हुआ लालवानी का जनसंपर्क देर रात तक चला। इस दौरान लालवानी का काफिला अनुराधानगर, तेजाजी नगर, असरावद, नावदा पंथ, राव रंगवासा होते हुए बिस्नावत पहुंचा, जहां पर जनसंपर्क का समापन हुआ। सब्सक्राइब आवर चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर मोर अपडेट्स।